वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एक्सप्रेस विद निशा। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है एंड दैट विल बी अबाउट इको फ्रेंडली वे टू डिस्पोज ऑफ सैनिटरी नैपकिन और पैड्स। तो हम में से बहुत से ऐसी गर्ल्स हैं या विमेन हैं जो एक सैनिटरी नैपकिन को गलत तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हैं एंड उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है, उससे नुकसान पहुंच रहा है। सी, हमें इस इन्वायरमेंट में रहना है एंड अगर हम ही उसको ख़राब करते जाएंगे तो हमारा ही रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इन्वायरमेंट में कैसे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सो ऐसे बहुत से तरीके हैं जो एक गर्ल या वुमेन यूज़ करते हैं अपना एक सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। कुछ वुमेन एक गार्बेज के ढेर पे फेंक देती हैं या फ्लश आउट कर देती हैं, और स्पेशली जो विलेज की वुमेन हैं वो अवेयर ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में एंड या तो वो उसको जला देती हैं या उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। सी, अगर आप सैनिटरी नैपकिन को ऐसे ही जला देंगे तो उससे जो गैस निकल के आएगी, जो प्रोड्यूस होगी, वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। सो अगर आप उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं सो उसको 500 से 800 साल लग जाते हैं डीकम, तो उससे लैंड पोल्यूशन और होगा, जो आसपास के ट्रीज़ या प्लांट्स होंगे वो उसको हार्म करेंगे। अगर आप उसको फ्लश आउट कर देते हैं तो डेफिनेटली आपका जो पॉट है वो ख़राब तो होगा ही एंड जहां वो फ्लश आउट होकर जाएगा जो वेस्ट जाता है तो वो वेट होने के बाद और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा डिस्पोज ऑफ करने में। एंड कुछ जो गर्ल्स या लेडीज़ हैं वो ऐसे ही गार्बेज पे फेंक देते हैं तो उससे अगर कोई वहाँ पे एनिमल आ जाता है, डॉग या काऊ आ जाती है, तो अगर वो गलती से आपका सैनिटरी नैपकिन अपने अंदर इनहेल कर लेंगे तो उनको डेफिनेटली कोई ना कोई डिजीज़ होगा। या तो जो रैग पिकर्स हैं जो जितना भी सारा गार्बेज है उसको अलग करते हैं ड्राई और वेट वेस्ट में, तो वो अपने बेयर हैंड्स के साथ करते हैं, उन्होंने कोई ग्लव्स नहीं वेयर, तो अगर वो आपका यू सैनिटरी नैपकिन को उठाकर अलग से रखते हैं तो उन्हें कोई डिजीज़ हो सकता है या हार्मफुल इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये सारे तरीके बहुत ही गलत हैं एंड हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सो सही तरीका क्या है एक सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज ऑफ करने का? सबसे पहले तो है इंसिनरेटर। तो ये एक मशीन होती है जो आप घरों में या जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो इंस्टॉल कराती हैं एंड उसमें आप अपना यूज्ड सैनिटरी नैपकिन डाल दें एंड वो उसमें ही बर्न हो जाएगा, कोई भी जो गैस है वो बाहर इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करेगी। सो आपको एज आउटपुट उसकी एशेज मिल जाएंगी। तो ये एक बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे है। तो सबसे पहले जिसने इन्वेंट किया था दैट इज निशा नाजरे फ्रॉम बेंगलुरु। तो उसके बाद एक स्टार्टअप कंपनी है पैट केयर लैब, उन्होंने सेनिको नेम के अंडर एक मशीन इन्वेंट की जिसमें सैनिटरी नैपकिन आपका 30 सेकेंड्स के अंदर डिस्पोज ऑफ हो जाता है। तो सेकेंड वे के लिए स्वच्छ भारत ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट इज रेड डॉट कैंपेन। तो जब भी आप अपना सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज ऑफ करने जाते हैं उसको आप किसी न्यूज़पेपर में या टिश्यू में रैप करके डिस्पोज ऑफ करें एंड उसके ऊपर एक रेड डॉट मार्क कर दें। जब आप अपना सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज ऑफ करने जाते हैं तो हमेशा अपने साथ एक आप रेड स्केच पेन या रेड मार्कर रखें, चाहे आप घर पर हैं चाहे बाहर हैं। तो आप इस तरीके से सैनिटरी नैपकिन को रोल करें एंड उसको न्यूज़पेपर में या टिश्यू पेपर में रैप करें एंड उसके ऊपर रेड डॉट मार्क कर दें एंड उसको ड्राई वेस्ट के अंदर डाल दें। तो रैग पिकर्स को एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि इसमें सैनिटरी नैपकिन है। दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज़ वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है एंड अगर आपको भी लगता है कि आप एनवायरनमेंट को और अच्छा बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक दें एंड साथ में सब्सक्राइब भी करें एंड उसे पहुंचाएं 100 सब्सक्राइबर्स तक।
Also follow me on Instagram. My Insta handle is there for reels, IGTV and updates. Wait for my next video. Till then, stay happy, stay healthy. Bye-bye.